This meeting is being recorded. Okay, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 के अंदर मिलिंग के टूल बात। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा 2D रफिंग और 2D फिनिशिंग, यानी कि 2D कर्व एरिया क्लियरेंस और 2D कर्व प्रोफाइल, है ना। तो जिन्होंने भी ये पहले टूल बात नहीं देखे तो पहले पिछला ट्यूटोरियल देख लेना, ताकि एनसी फाइल कैसे क्रिएट करनी है, टूल पाथ को कॉपी कैसे करना है, टूल कैसे क्रिएट करने हैं, वो सारी चीजें वहां पे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब उसी चीज को हम एक लेवल आगे और लेके जाते हैं, ताकि हम और आसानी से टूल पाथ क्रिएट कर सके। मॉडल हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है, टूल हमने ऑलरेडी ले रखे हैं, ठीक है, अभी दो नंबर एक्टिव है। तो हम करना चाहते हैं रफिंग, तो बड़ा आसान तरीका रफिंग करने का, इतनी पिछले ट्यूटोरियल में हमने काफी चीजें करी है ना, तो उम्मीद है आपने वो देखी होंगी, तभी हम इस ट्यूटोरियल पे पहुंचे हैं। तो एक बड़ा अच्छा टूल पाथ है हमारे पास यहाँ पे, मॉडल एरिया क्लियरेंस, 3D एरिया क्लियरेंस के अंदर मॉडल एरिया क्लियरेंस, ठीक है। अब मुझे इस 2D कर्व में पैटर्न बनाना पड़ रहा था, मुझे बाउंड्री बतानी पड़ रही थी, एक तरीके से एक पाथ बताना पड़ रहा था जिसके अकॉर्डिंग मुझे चलना है। मॉडल एरिया क्लियरेंस में ऐसा कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं बताने की जरूरत। आपने मॉडल दिया हुआ है, आपने स्टॉक दिया हुआ है, आपने टूल दिया, तीन चीजें आपने दी हुई है। मॉडल एरिया क्लियरेंस में जैसे हमने उसमें ऑफसेट किया था रफिंग करते हुए, वैसे ही इसमें भी हम ऑफसेट मॉडल ले लेते हैं। स्टेप ओवर जैसे उसमें दिया था वैसे इसमें देना है, जैसे उसमें फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ा था वैसे इसमें भी फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ देंगे, ठीक है। कांस्टेंट स्टेप डाउन, हर बार बराबर बराबर कट लगाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेट का बटन दबा, कुछ और ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जो चेंजेस होंगे वो मैं बताऊंगा क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत। तो उसने देखो इस एरिया को भी कटिंग कर दिया, उस एरिया को भी कटिंग कर दिया, जहां जहां मेरा टूल पाथ जा सकता था उसने सारी जगह पे कटिंग कर दी, ठीक है। तो ये जो टूल पाथ है इसमें सेटिंग में जाएंगे, इसका नाम है मॉडल एरिया क्लियरेंस। दो चीजें देनी बहुत जरूरी हैं, एक तो उसको बताना पड़ेगा कि कितने का स्टेप ओवर है, यानी कि हर बार टूल जो है एक सह दूसरे में कितने डिस्टेंस पे जाए, और स्टेप डाउन भी बताना पड़ेगा कि हर बार नीचे कितना है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्टेप डाउन चाहिए या कैसा स्टेप डाउन चाहिए वो हमारी मर्जी, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटा सारा एरिया जो है कटिंग हो गई है ना, जैसे हमने उसमें हर एक के लिए बाउंड्री बना रहे थे वो चीज नहीं है इसमें। अगर मैं इसको ऑफसेट मॉडल की जगह ऑफसेट ऑल कर दूं तो ज्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जिसको वो ऑफसेट कर नहीं पा रहा। तो जब ऑफसेट नहीं कर पा रहा तो उसको समझ में नहीं आ रही कहां कहां मैं जाऊं और कहां कहां मैं नहीं जाऊं, ठीक है। नहीं तो ब्लॉक भी हम उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई कितने एरिए में मुझे ब्लॉक चाहिए। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, कैलकुलेट का बटन दबाओ, ठीक है। तो ड्रॉ हमारा ऑन है, कैलकुलेट हो जाएगा। हमेशा याद रखना है जो हम वर्क प्लेन लेते हैं, भाई हम किस वर्क प्लेन के हिसाब से प्रोग्राम बना रहे हैं, जो एक्टिव होगा उसके हिसाब से टूल पाथ जो है जनरेट होगा। अगर मैं यहाँ पे स्पाइरल भी ऑन कर दूं, इसको रिमूव कप्स बंद कर देते हैं, स्पाइरल में क्या है जो टूल बहुत ज्यादा उठ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसको एंट्री लेने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो सब जगह वो आसानी से चला जाएगा। अगर कभी मन करता है कि नहीं हम टूल चेंज करना चाहते हैं, तो टूल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो टूल चेंज करके भी कटिंग की जा सकती है। तो जो टूल होगा उसके हिसाब से कटिंग हो जाएगी।
थोड़ा सा इंतजार करेंगे, कैलकुलेट करें, ठीक है, तो सारी जगह कटिंग जो है हमारी हो जाएगी। तो ये हमारा था रफिंग का टूल पाथ, और इसके जैसा ही एक और भी है प्रोफाइल टूल पाथ। प्रोफाइल टूल पाथ में क्या है, मॉडल प्रोफाइल में कि हमारे को फिर से पैटर्न नहीं बनाने की जरूरत, वो मॉडल को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग टूल पाथ क्रिएट कर देगा। अभी यहाँ पे 0.2 है, तो 0.2 के मटेरियल के हिसाब से 1-1 mm का कट लगाते हुए सारी बाउंड्रीज के ऊपर वो पिक कर लेगा। अब मेरे को डेप्थ भी बताने की जरूरत नहीं है, किसी की डेप्थ कम है, किसी की डेप्थ ज्यादा है, तो वो मॉडल के हिसाब से चूज कर लेगा कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि जो 2D कर्व एरिया क्लियरेंस वाला काम है वो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये यहाँ पे एक और ऑप्शन बताता हूँ इस सारी चीज को करने के लिए, अभी देखो कुछ एरर आ रहा है रेड कलर का, उसका कारण क्या है, यहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रही, उसको कोई प्रोफाइल नजर आ रही है, उसको ये गियर वाली प्रोफाइल नजर आ रही है। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट मॉडल, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे फाइल में जाके अगर मैं क्लोज का बटन दबा दूं तो ये सब कुछ ही क्लोज हो जाता है। तो मॉडल इंपोर्ट करो, देखो कितना आसान है, मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ, 1 मिनट से कम लगेगा इसको बनाने में, बस हमारे को मॉडल ढूंढने में ज्यादा देर लग सकती है। मॉडल कहाँ गया हमारा, यहां से हम ऑल फाइल की जगह हम सॉलिड वर्क्स वाली फाइल कर देते हैं। तो ये मॉडल लेना है, ब्लॉक लेना है, टूल लेना है, बस खत्म। पर पावर मिल पुरानी ऑप्शंस को याद रखता है, तो हमारे को कोई 2D प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं, हमारे को 3D प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे को सिंपली मॉडल लेना है और उसके हिसाब से ब्लॉक क्रिएट करना है। ब्लॉक को कैलकुलेट कर देंगे, वर्क प्लेन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। जो आज हम कर रहे हैं ये हमारे को तकरीबन रोज करना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक्सेप्ट किया, टूल चाहिए, टूल क्रिएट कर लिया, कौन सा टूल, एंड मिल चाहिए, कितने का जी, मैंने कहा जी 16 का, ठीक है। कितना टूल नंबर, 1 नंबर टूल, बस क्लोज कर दो। टूल पाथ में जाओ, 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके कर दो और कैलकुलेट का बटन दबा दो, बस। तो हमारा सारा जो मॉडल है उसके ऊपर रफिंग का टूल पाथ जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ना कोई पैटर्न, ना कोई डेप्थ, हमारे को सिर्फ स्टेप ओवर बताना है, डेप्थ ऑफ कट बताना है, प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। टूल पाथ में जाएंगे, मॉडल प्रोफाइल लेंगे, फिनिशिंग के लिए जो हमने मटेरियल छोड़ा कौन सा टूल चाहिए वो बताओ, ठीक है। ऑब्वियस है क्योंकि हम फिनिशिंग कर रहे हैं तो हम टूल चेंज करना चाह रहे हैं, तो टूल चेंज करना है, कितने का करना है जी, मैंने कहा जी मुझे तो 6 mm का एंड मिल चाहिए, ठीक है। तो फिनिशिंग के लिए मटेरियल मैंने कहा नहीं छोड़ना, ठीक है। स्टेप डाउन 1 mm का, कैलकुलेट दबाएंगे, डेप्थ भी नहीं बतानी, प्रोफाइल भी नहीं बतानी, अपने आप ये जितनी भी मॉडल के हिसाब में स्ट्रेट जगह है जहां पे सीधी जगह है वहां सारी प्रोफाइल के ऊपर कटिंग जो है ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ये प्रोग्राम हमारा क्रिएट हो गया। अगर हमारे को बाहर नहीं करना क्रिएट, तो हम बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ताकि बाहर ना जाए, तो हम एक कॉम्पोजिट कर्व बना लेंगे बाहर वाली साइड, यहां से एज सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब किस एरिया में चलना है किस एरिया में नहीं चलना उसके लिए है। तो इसको बाहर बाउंड्री को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं मैं, अब हमने इसको बोला है
कि ये जो बाउंड्री है ट्रिमिंग अंदर वाली साइड करनी है, अंदर नहीं करनी हमारे को, बाहर वाली साइड करनी है। जो हमने बाउंड्री बनाई है उसके बाहर वाली साइड ट्रिम करना है। कैलकुलेट दबाएंगे तो बाहर वाला ट्रिम हो जाएगा, अंदर वाला, ओ सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी कीप इनसाइड, सॉरी कीप इनसाइड इट, है ना भाई, अंदर वाला रखना चाहते हैं हम, कीप इनसाइड। तो अंदर वाला रह जाएगा, बाहर वाला खत्म हो जाएगा, उस बाउंड्री के अंदर अंदर ही टूल चलेगा। जितनी देर में ये कैलकुलेट कर रहा है उतनी देर में वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। कोई भी डाउट आ रहा है मन में, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब हम बनाए तो उसको सॉल्व कर सकें। तो ये हमारा क्रिएट हो, ठीक है। तो जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं सबके साथ वीडियो शेयर करनी है। मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप ले लो, ताकि हम मॉडल आपके साथ शेयर कर सकें।